हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस घंटे को। अब अगला देखो, अगला क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज अपन ने क्या कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, डायरेक्ट पता ही चुका हूँ कि एक ही मेथड याद रखना है बस, और कोई याद नहीं रखना, डायरेक्ट मेथड याद रखना है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज एग्जांपल लेते हैं। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है तो आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखा होगा। इसके बाद हमें क्या निकालनी है, मिड वैल्यू निकालनी है। मिड वैल्यू निकालना जानते हैं, लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू अपॉन में टू, लोअर वैल्यू अपर वैल्यू अपॉन में टू, ये कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद क्या निकालेंगे, एफ एक्स, एफ और एक्स का मल्टीप्लाई, ये किया, सिग्मा एफ एक्स कितना गया 156। इसके बाद मीन निकालेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एन, 156 अपॉन में 24, 6.5। इसके बाद देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन अब क्या है, डिस्क्रीट सीरीज के थ्रू होगा। पहले स्मॉल एक्स निकालेंगे, एक्स माइनस एक्स बार, ये देखो। इसके बाद क्या करने वाले हैं हम लोग, एक्स का स्क्वायर करेंगे, वो भी हम कर लेंगे, और उसके बाद एफ एक्स का स्क्वायर करेंगे, वो भी यहाँ पे कर लेंगे। इसका टोटल लगाएंगे, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 258। ठीक है, देखो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में कोई डिफरेंस नहीं होता, बस क्या होता है अगर आपने इस वाली फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज जिसे कॉन्टिन्यूस सीरीज भी कहते हैं, अगर उसमें आपने मिड वैल्यू निकाल ली तो फिर इसके बाद ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका डिस्क्रीट सीरीज के थ्रू हो जाता है। जैसे आपने डिस्क्रीट सीरीज से क्वेश्चन निकाला वैसे ही आप यहाँ पर भी क्वेश्चन निकालेंगे। ठीक है, तो हमने निकाल लिया सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 258। इसके बाद देखो अब हम क्या करने वाले हैं, अब स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन, यानी कि 258 अपॉन में 24, 10.75, यानी कि 3.28। ठीक है, बता चुका हूँ, अगर आपको नहीं आता है रूट निकालना तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको रूट निकालना सिखा दूंगा। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में एक्स बार, यानी कि मीन, डिनोमिनेटर में यहाँ पर हर केस में क्या रहेगा, मीन ही रहेगा। ओके, तो 3.28 अपॉन में 6.5, यानी कि 0.504, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ओके,